नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह निकल गई है। सुबह निकल गई? निकल गई। और निकल ही गई। हम उठ गए, अंशिका तैयार हो गई है, अभी नीचे जा रहे हैं, देखते हैं मम्मी डैडी सब क्या कर रहे हैं। मैं तैयार हो गई अपने ऑफिस जाने के लिए। हाँ, और ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस ज्वाइन कर लिया और हमने ऑफिस छोड़ दिया है, तो आज हम छुट्टी पे हैं। मेरा तो वही ऑफिस है, किचन वाला। मैंने तो वही ज्वाइन कर लिया वापस आके। तो आज हम छुट्टी पे हैं, लेकिन और बाकी का बहुत सारा काम है, वो हम आपको दिखाएंगे कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस पे काम चल रहा है, लगभग 4-5 दिन उस पे काम हो गया, और आज जो आगे का काम होगा वो दिखाएंगे, वो आपको अच्छा लगेगा देखने में। अभी नीचे चल के देखते हैं मम्मी डैडी सब क्या कर रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी टेंशन सॉल्व करो, नाश्ते में क्या बनाना है। नाश्ते में हम कुछ बीवी का सवाल। नाश्ते में हम ब्रेड के साथ में दूध लेंगे। मम नमस्ते। नमस्ते। क्या बना लिया कढ़ाई में सुबह सुबह? ये क्या है? पापा जी को गुलाबंद बना रही हूँ। ये तो गुलाब की महकारी है। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी अंशिका को मैंने बताया मम्मी गुलकंद बना रही हैं, तो अंशिका पूछ रही गुलकंद क्या हो। पापा मुझे बनाया दिया। ये रहा एकदम फ्रेश गुलकंद, जो दिन हम गुलाब ले रहे थे उसका मम्मी ने गुलकंद बना दिया। मैं थोड़ा सा खा के देखता हूँ। अच्छा टेस्ट है, एकदम बढ़िया। मम्मी थोड़ी चीनी और गिरो इसमें। आप क्या करने लगे? पूजा करूंगी। चलो पूजा करके नाश्ता तैयार कर लो। हेलो लूसी, ले गुलकंद, मिले गुलकंद खा। मम्मी लूसी को भी खवा दिया। क्या कह रहे पापे? क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे, झाड़ू उठा देंगे। किधर? उधर की साइड। पर झाड़ू घिस गया आपकी? हो वो तो और रखी है, वो लग जाएगा, छोटी होगी अभी। हो झोपड़ी पे। झोपड़ी पे क्या करना? देखिए आ रहे हैं। क्या हुए? कौन? राज। उन पुता ही रहा है। डैडी मिस्त्री भी आएंगे क्या आज? हाँ। ये है बहुत ही सुंदर फूल, लेकिन डैडी ये वो है सीजनली। सीजनल है। हाँ। और ये जैसे बुगनवेलिया है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है ये वाले। और ये आज डैडी सुबह से यही काम कर रहे हैं। ये इंसुलिन, इंसुलिन का पौधा है ये। इसकी तो बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को शुगर हो जाए तो इसका एक पत्ता सुबह एक पत्ता शाम खाओ। वहाँ देखो हमारा बड़ा हो रहा है उधर। ये आज मैंने इधर। और ये है, देखो इनमें वो लगाएंगे रजनीगंधा। डैडी ये कौन सा बुगनवेलिया है? ये है वाजिद अली। वाजिद अली साहा। हाँ, वाजिद अली साहा। देखो कितना सुंदर और कितना प्यारा है। पीछे हट कर देखो, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। हम जब इस पेड़ को लेकर आए थे तो उस टाइम पे इस पे फूल आ नहीं रहे थे, और लगभग 2 साल बाद आए इस पे फूल। हाँ जी, आ रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है। यहाँ पापा जी बैठे हुए हैं और यहाँ मिस्त्री आ गए हैं जो काम करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ये हमने यहाँ पे याराना चौक के नाम से डेवलप किया है, जिसमें पापा जी ने अपने दोस्त की स्मृति में ये काम करवा रहे हैं, जिसमें ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगेगी ऊपर। ये हमारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई है पहले और अब बना भी रहे हैं। यहाँ पे हमारी घोड़े का जो स्टैचू है वो रेडी हो गया है, एक तरीके से हड्डी हड्डी है। अभी मांस इस पे चढ़ेगा, तो ये हमें यहाँ से उठा के अभी ऊपर जो वहाँ पे वो बना हुआ है पूरा एक फाउंडेशन स्क्वायर शेप में, इसके ऊपर ये लगाया जाएगा। तो अभी हम इसको उठा के वहाँ से यहाँ प्लेस करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता रहूँगा सारी चीज़ें क्या क्या होगा। कैसे ठंड मान रहा है? है? अच्छा, ऐसा लग रहा है नींद में भी उठ आया हो। और इस पर पानी गेर दिया? नहीं, सुबह। ये देखो घोड़ा कितना बड़ा है, उठा के रख देगा। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हो क्या? वजन देख लो एक बार जरा इसका कितना। यार तू तो आजकल जिम विम जा रहा है। सही कह रहे हो। ये इसकी एक टांग, वो उसकी दूसरी टांग। दो टांग फिट है। दो टांग इसमें फिट है। दो ढाई क्विंटल वजन है इसका। अभी उठाएंगे, चल देखते हैं इसको उठा के, इतना मसाला तैयार हो जाए।
लो जी दोनों टांग उठ के आ गई ऊपर। लो जी उठा दिया घोड़ा है, टांग को फोड़ देना टांग पे, टांग को मतलब टांग को देगी, टांग पे जोड़ नहीं लगा ना, चलो। अरे 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 डॉक्टर साहब कैसे हैं? राजपूत होके कैसे कर रहे हो? उस दिन मिस्त्री साहब से पूछ रहा है कैसे उठेगी, कह रहे कंधे पे उठा के रख दूंगा, अब हंसो मत ना उठाओ, कह रहे कंधे पे मैं अपने आप पहुंचा दूंगा ऊपर। चलो चलो चलो, देख सकते भाई यहाँ पर घोड़ा ऊपर रखा जा रहा है, बड़ी उठ नहीं रहा, इतने सारे जने लगे पड़े हैं। उस दिन मिस्टर साहब कह रहे मैं अकेला उठा के कंधे पर रख दूंगा, आज इतने सारे जने लगे पड़े तब नहीं उठ रहा। चलो उठा दिया जी, पूरे जोर लगा के हो गया काम, देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा कर दिया घोड़ा बल्ली लगा के, बड़ी मुश्किल में जाके पूरे 9-10 जने जब जाके लगे, जब जाके खड़ा हुआ स्टेज पे सब ने अपने पूरा जोर लगा दिया, जब जाके कहीं यहाँ तक पहुँचे। तुम ये बताओ तुम अब क्यों आए इतनी देर में? हाँ सरसों के वजह से, यहाँ मुझे इतने जोर लगाने पड़ गए इसको उठाने में। अरे डॉक्टर साहब ऊपर खड़े हो ना, अरे कुछ औलाद हाँ सरसों निकलवाती फिर रही है यहाँ डॉक्टर साहब लग रहे हैं इसे उठाने में घोड़े को। भाई तो आज पूरी मेहनत कर रहा है लौंडे। घोड़ा एकदम सतर खड़ा हो गया है, अब इसके ऊपर सीमेंट का पानी गिर रहे हैं जिससे थोड़ी तराई हो जाए, उसके बाद सीमेंट चिपकाएंगे, अभी नीचे एक फाउंडेशन बनाएंगे, जाल डाल के मसाला तैयार हो गया इधर, तब ये बल्ली बल्ली हट जाएंगे, फिर ये अपने टांगों पे खड़ा हो जाएगा, अभी दो टांग पे खड़ा है, फिर अभी दो टांग और लग जाएंगी।